नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस संदेश न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिलावट से आ रही है, जहां बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर ने भ्रमण के दौरान 3 वाहनों की जांच के बाद राशन की जांच प्रारंभ कर दी है। इन 3 वाहनों में जो अनाज राशन भरा था उसकी जांच की जा रही है। 3 विभाग संयुक्त रूप से उक्त जांच को कर रहे हैं। मंडी, राजस्व तथा खाद्य विभाग मिलकर के मामले में जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 350 क्विंटल गेहूं, 80 क्विंटल मूंग और 40 क्विंटल चावल जिसकी जांच की जा रही है। एसडीएम के अनुसार मामला अगर पीडीएस का होता है तो उक्त मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जाँच जारी है। सिलावट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज सिलावट क्षेत्र में भ्रमण के दौरान 3 वाहन जो जा रहे थे, इनको जब आकस्मिक रूप से चेक किया गया तो बिना अनुज्ञा के ये खाद्यान्न का परिवहन कर रहे थे। जब इसकी जांच की गई तो उसमें जो गेहूं और चावल थे वो संदिग्ध लगे। जब इसकी और जांच की गई और कहां से इसको भरा है, दुकानों की चेक की जब जांच की गई तो उसमें सारे जो खाद्यान्न है कहाँ से आया ये संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो इसको लेके जांच की जा रही है। इसमें मंडी की टीम, खाद्यान्न की टीम और रेवेन्यू की टीम जांच कर रही है कि ये जो राशन है ये पीडीएस दुकानों का है या कहीं बाहर से ख़रीदा हुआ है और किन किसानों से ख़रीदा हुआ है, इसकी भी जांच की जा रही है। और इसमें 40 क्विंटल से अधिक चावल भी जब्त किया हुआ है, तो इसकी भी जाँच की जा रही है कि चावल कहाँ से ख़रीदा है और चावल यहाँ आया कहाँ से है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में चावल का उत्पादन नहीं होता है। इसलिए इसकी पूरी जांच की जा रही है। यदि जांच में पाया जाता है कि ये पीडीएस का है तो इसमें एफआईआर की जाएगी और जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, हम राशन की बात करें तो इसमें लगभग 350 क्विंटल गेहूँ है, 80 क्विंटल के लगभग मूंग है और 40-45 क्विंटल चावल है। सर, जब्त क्या है? इसमें 3 वाहनों को जब्त करके कस्टडी में लिया हुआ है। साथ ही जो दुकान है जहाँ गोडाउन जहाँ राशन रखा हुआ है उसकी भी जांच की जा रही है, उसको भी सील करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।